hello guys welcome back to my channel maths mantra in this video i am here with a new topic the name of the topic is congruent triangles that is very interesting topic

कौन कौन से होते हैं सो आ ट्रेंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स सो टोटल सिक्स पार्ट्स ऑफ अ ट्रेंगल शुड बी इक्वल टू थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ अनदर अदर अगर ऐसा हो जाए देन द ट्रेंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल देखिए और अच्छे से समझने के लिए हमने एक फिगर भी बनाई ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ तो ट्रेंगल ए बी सी के करस्पोंडिंग पार्ट्स यानी तीनों साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्रेंगल डी ई एफ की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के इक्वल है इट मीन दीज टू ट्रेंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट क्या इतना ही सीखना काफ़ी है अगर हम ट्रेंगल्स को कांग्रेट शो करना चाहते हैं नो no, अभी तो बहुत कुछ बाकी है सो so, फॉर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द करस्पोंडेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ ट्रेंगल उसके लिए मैंने फिर से दो ट्रेंगल ड्रॉ किए वन इज ट्रेंगल ए बी सी एंड अदर वन इज ट्रैंगल डी ई एफ कैसे हम उसके पार्ट्स के बीच में करस्पोंडेंस एस्टेब्लिश करेंगे तो लेट सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द करस्पोंडेंस बिटवीन द एंगल्स कैसे हम एंगल्स को करस्पोंड करेंगे तो इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल ए पर देखिए एक कर्व है ऐसे ही ट्रैंगल डी ई e, एफ में एंगल डी पर भी एक कर्व है इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल अब अगर हम दूसरे एंगल के पर आते हैं एंगल बी पर कितने कर्व है थ्री तो एंगल डी ई एफ जो ट्रेंगल है उसमें एंगल ई e पर तीन कर्व है इट मीन्स एंगल बी एंड ई आर इक्वल अब ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी पर दो कर्व है ऐसे ही ट्रायंगल डीईएफ में एंगल एफ पर दो कर्व है इट मींस एंगल सी एंड एंगल एफ आर इक्वल सो दिस इज़ द करस्पोंडेंस बिटवीन एंगल नाउ वी विल लर्न अबाउट द करस्पोंडेंस बिटवीन द साइड्स तो साइड्स को दो लेटर से लिखा जाता है सबको पता है तो ए बी पर दो स्लैश है ऐसे ही ट्रैंगल डी ई एफ में डी ई पर दो स्लैश है इट मीन्स ए बी एंड डी ई आर इक्वल अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी पर एक स्लैश है मगर तो इन ट्रेंगल डी ई एफ ई एफ पर एक स्लैश है इट मीन दिस टू साइड्स आर इक्वल और ए सी बचा तो ए सी किसके है? DFK, क्योंकि दोनों पर ही थ्री स्लैश है तो हमने करस्पोंडेंस देखा साइड्स के बीच में यानी कि दोनों ट्रैंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल इट इटवीन द ट्रैगल्स आर कॉन्ग्रेंट अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म भी सीख लेते हैं तो फर्स्ट ट्रैंगल को कैसे भी लिखे मैंने लिखा ट्रैंगल ए बी सी फिर मैंने एक सिंबल बनाया इक्वल के ऊपर एक वेवी साइन है दिस इज द सिम्बल फॉर कॉन्गोरेंट सी और दूसरे ट्रैंगल में देखिए ए इसको को करस्पॉन्ड कर रहा है डी को एंगल बी कर रहा था ई e को और एंगल सी कर रहा था एफ को यानी ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ई एफ आर कॉन्गोरेन्ट सो दिस इज़ द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ़ टू ट्र कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स तो अब हमने देखा कि दो ट्रेंगल को कांग्रेन करने के लिए हमें उसके करस्पोंडिंग पार्ट्स को क्या करना होता है इक्वल क्या हर बार हम छः के छः पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करते रहेंगे ये तो बड़ा टिपिकल जॉब हो जाएगा क्या इसके लिए कोई मिनिमम क्राइटीरिया नहीं है तो मैंने उसकी भी कोशिश की आपको समझाने की मैंने एक ट्रेंगल बनाया जिसकी साइड है सेवन सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर सिमिलरली सेम ट्रेंगल एक और बनाया सिर्फ साइड के बिहाफ पे बनाए एंगल की कोई बात नहीं की तो फिर मैंने सोचा अगर मैं इन दोनों ट्रैंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो क्या ये ओवरलैप करेंगे तो फिर मुझे जवाब मिला मैंने ओवरलैप करके देखा तो आंसर आया यस तो मैंने देखा कि दो ट्रैंगल को ओवरलैप करने के लिए हमारे पास थ्री साइड ही सफिशेंट है यानी कि ओवरलैप होना मतलब कॉन्गोरेंट है तो एक कॉन्ग्रेंसी uh, के लिए हमें छः नहीं तीन पार्ट्स ही सफिशेंट है सो ओनली थ्री पार्ट्स आर सफिशेंट टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट अब वो थ्री पार्ट्स हमें कैसे डिसाइड करने हैं लेट्स Start with the congruence rule. तो first congruence rule is side, side, side. देखिए three parts लिए मैंने और तीनों parts क्या है first triangle की तीनों side और दूसरे triangle की भी क्या है तीनों side. अगर ये दोनों equal हो तो वो दोनों triangles आपस में क्या होंगे congruent. You can see in the figure all the sides in both the triangles are equal. देखिए टेन नाइन एंड थ्री और दूसरे ट्रेंगल की भी टेन नाइन एंड थ्री दी साइड सारी इक्वल अगर मैं ए बी को चेक करूँ तो वो एक्स जेड के इक्वल है अगर मैं ए सी को चेक करूँ तो वो एक्स वाई के इक्वल है अगर मैं बी सी को चेक करूँ तो वो जेड वाई के इक्वल है ठीक है सो so, ऑल द साइड्स आर इक्वल तो हमारे पास रूल क्या बन के आया बाय एस 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 रूल ओके सो थ्री थिंग्स आर सफिशिएंट टू शो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए फर्स्ट ट्रायंगल को मैंने बोला कैसे भी लिखिए अब दूसरे ट्रायंगल को लिखना जरूरी इंपॉर्टेंट है वो सीखना है ए भी देखिए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है एक्स जेड को तो पहले एक्स जेड लिखिए और फिर बी सी किसको कर रहा था जेड वाई को तो जेड ऑलरेडी है वाई और लिख दीजिए यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स जेड वाई आर कॉन्ग्रेंट दिस इज द Symbolic form for the two triangles to become congruent. नाउ द सेकेंड रूल इज साइड एंगल्स साइड जिसको हम शॉर्ट में बुलाएंगे एस ए एस देखिए फिर से थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू शो टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंट सो फर्स्ट ट्रैंगल इज ट्रेंगल एक्स वाई जेड एंड अदर इज ट्रैंगल एस टी यू तो फर्स्ट ट्रैगल की एक्स वाई और सेकेंड ट्रैंगल की टी एस दोनों आपस में इक्वल हैं बोथ आर थ्री सेंटीमीटर सो दीज करस्पोंडिंग साइड आर इक्वल ऐसे ही हम दूसरी साइड देखें एक्स जेड और दूसरे ट्रैंगल एस टी यू में साइड टी यू हर फाइव सेंटीमीटर इट मीन्स अगेन द करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल अब हम एंगल पे आते हैं एक एंगल एक्स है और दूसरे ट्रैंगल का एंगल टी जो है दोनों ही फिफ्टी डिग्री है इट मीन्स बोथ द एंगल्स आर इक्वल बट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द साइड देखिए थ्री और फाइव के बीच में ही एंगल फिफ्टी बना है दोनों ही ट्रैंगल्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर नाउ द रूल इज़ एस ए एस क्योंकि दो साइड हैं और उनके बीच में ही एंगल को रहना है सो so, रूल uh, का नेम हो गया एस ए एस अब इसकी सिम्बॉलिक फॉर्म पहले ट्रेंगल को मैंने लिखा ट्रेंगल एक्स वाई जेड कैसे भी लिखी है फिर मैंने सिम्बॉलिक फॉर्म बनाई कॉन् कौं, की और फिर मैंने देखा कि एक्स करस्पोंड कर रहा है टी को और एक्स वाई कर रहा है टी एस को तो एक्स वाई के प्लेस पर रखा टी एस और यू बचा यू को लास्ट में रखा इट मीन्स ट्रेंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रेंगल टी एस यू आर सो दिस इज the symbolic form for the triangles नाउ द नेक्स्ट रूल इज एंगल साइड एंगल जिसको शॉर्ट में बुलाएंगे हम ए एस ए तो हमें नाम से ही दिखाई दे रहा है कि एक ट्रैंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रैंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल होने चाहिए तो अब हम इनकी करस्पोंडेंस देखते हैं कि कौन किस को करस्पोंड कर रहा है तो एंगल आर मैंने देखा एंगल डी को करस्पोंड कर रहा है क्योंकि दोनों में एक एक कर्व है फिर मैंने देखा पी आर और साइड ई डी दो लेटर से साइड लिखी जाती है दीज आर इक्वल दोनों पर ही दो स्लैश है फिर एंगल पी एंड एंगल ई e, दोनों पर दो कर्व हैं बोथ द एंगल्स आर इक्वल सो दीज आर द करस्पोंडिंग पार्ट्स एंड दिस रिप्रेजेंट द रूल ए एस ए दो एंगल और एक साइड जो है दोनों ट्रंगल की आपस में क्या है इक्वल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू राइट इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म तो पहले वाले ट्रेंगल को जैसे लिखिए मैंने लिखा ट्रेंगल आर पी क्यू अब देखिए आर करस्पोंड कर रहा है डी को मैंने जो करस्पोंडिंग पार्ट लिखे पी करस्पोंड कर रहा है ई को और बचा सी सो तो ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल डी ई सी आर कॉन्ग्रेंट सो दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ दिस ट्रेंगल to become congruent now the last rule is right angle hypotenuse and side isko short me bulayenge rhs yani ek triangle ka right angle aur hypotenuse aur side दूसरे triangle के right angle hypotenuse और side ke क्या होने चाहिए? equal as you can see in the figure तो मैंने देखा एंगल बी और एंगल क्यू पर 90 डिग्री बना है तो फर्स्ट राइट एंगल्स आर इक्वल फिर मैंने देखा ए सी ए सी क्या है हाइपोटेनियस क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा क्या कहते हैं हाइपोटेनियस इन राइट ट्रैंगल्स हाइपोटेनियस और साइड कोई भी ले सकते हो तो मैंने बी सी और क्यू आर को लिया एंड बोथ आर इक्वल सो आर एच एस रूल एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि एक राइट right एंगल है एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है अब सिम्बॉलिक फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो पहले वाले ट्रेंगल को मैंने लिखा ए बी सी कैसे भी लिख सकते हो बट अब देख ना है कि ए सी पी आर को कर रहा है तो फर्स्ट वाले में ए सी फर्स्ट और लास्ट लेटर है ऐसे ही दूसरी साइड पे पी और आर जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर है बीच में बी किसको को करस्पोंड कर रहा है बीच वाले क्यू को इट मीन्स ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर आर कांग्रेन अब हमने फाइनली ये देखना है कि कांग्रेंसी के कौन कौन से रूल हमने सीखे तो हमने कांग्रेंसी के अब तक चार रूल सीखे कि दो ट्रैंगल्स को कांग्रेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हैं तो फर्स्ट इज़ एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल सेकेंड इज़ एस एस कॉन्ग्रेंस रूल एंड थर्ड वन इज़ ए ए एस ए कांग्रेंस रूल एंड लास्ट वन इज़ आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल तो इन चारों में से कोई भी एक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपने दो ट्रगल्स को कांग्रेंट शो कर सकें तो मैं फिर से कहना चाहूँगी ओनली थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू शो टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट थैंक यू एंड है आइजे होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक